is our Independence Day. Are you glad? I can give God a hand for that. 75 years as a nation, we got independence. Okay, I was asking Chandra. Chandra said his grandfather Mysore was also in the freedom fighting. Okay, and he had many gunshots. और बहुत सारे बंदूक थे हमारे यहाँ लाइक वन ऑफ देम यहाँ और एक है हमारे इट्स अ ग्रेट जॉय बट लेट्स बिफोर वी ओके वी गो इनटू प्रेइंग फॉर आवर नेशन एज अ इंडिपेंडेंस डे और जैसे कि आज स्वतंत्र दिन के बदले हम लोग जो है आज प्रार्थना में जाएंगे देश के लिए प्रार्थना करेंगे ओके एंड वी आल्सो विल प्रे फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर फॉर आवर चीफ मिनिस्टर और हम प्रधानमंत्री और जो है हमारे सीएम चीफ मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे बट बिफोर दैट आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट वन वर्स एक वचन के बारे में सोच रहा था ओके इन सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 5 वर्स 10 और दूसरा कोरिंथियों का 5:10 मैं सोच रहा था ओके इट सेज फॉर वी मस्ट ऑल अपीयर बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट कि हम सबको एक दिन जो है परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा रहना है ऑल अलोन और सब अकेले डू यू नो दैट क्या आप सबको मालूम है okay, it's going to be you alone with Jesus. सिर्फ आप ही और यीशु के okay, साथ if you're a child, your father will not be next to you. अगर आप बच्चे हैं तो आपके साथ जो है आपके पिता नहीं रहेगा okay, you will be in front of Jesus Christ. और आप जो यीशु मसीह के सामने if you're a husband, your wife will not be next to you. अगर आप पति हैं तो आपके साथ पत्नी नहीं रहेगी okay, if you're a wife, your husband will be not अगर आप पत्नी हैं तो आपके पति नहीं रहेंगे वहाँ पर okay, but we need to give an account how we live. हमें जो है अपने जीवन का हिसाब देना पड़ेगा किस तरह अकेले में God is not interested. My wife followed God. I didn't follow. Doesn't matter. It's not like a blessing with associations. परमेश्वर ये इसमें रुचि रखेगा वहाँ पर कि मेरी पत्नी या फिर मेरे पति विश्वासी थे या फिर मैं किस तरह चला इट इज ऑल अबाउट हाउ आई सर्व द लॉर्ड ये सब कुछ जो है मैं किस तरह परमेश्वर का हाउ डिड आई लव माय स्पाउस और किस तरह मैं जीवन साथी से प्रेम हाउ आई लव माय चर्च मैं किस तरह मेरे चर्च से प्रेम किया हाउ मच आई डोंट टॉक अबाउट माय चर्च बिहाइंड द बैक और किस तरह जो है मैं मेरे कलीसिया के बारे में पीछे बात नहीं किया ओके दिस आर इंपॉर्टेंट थिंग्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण आई बिलीव द रैप्चर वुड हैपन वेरी सून और मैं मुझे विश्वास है कि रैप्चर जो है बहुत जल्द होने वाले हैं। Okay, and we never know how many services we're going to meet more. हमें मालूम नहीं है हम कितने और सारे सभा में मिलेंगे ऐसे। Okay, one day we'll be taken up. एक दिन जो है हम सब उठा लिए जाएंगे। Okay, that day is very near. वो दिन जो है बहुत ही करीब है। I totally believe it could be in our generation. और मैं पूरा विश्वास करता हूँ इसी पीढ़ी में होगा वो। Like I don't know how many services I would say services now. और अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ कितने सभा में हम मिलेंगे वो maybe another 15, another 20, maybe a 52. हो सकते हैं 15 या फिर 52 या फिर कुछ कम। Okay, it's an amazing thought to consider this morning. ये बहुत ही अद्भुत ख्याल है जो हम सोच सकते हैं okay, and we are here today. और हम यहाँ पर हैं okay, tomorrow we are gone. और कल जो है हम उठा ले जाएंगे okay, you're gone. It's gone. These people are gone. हम चले जाएंगे हम लोग जो सब चले जाएंगे okay, that's our life. इस तरह हमारे जीवन okay, if that is the case, I want to live my life for God. और इस तरह अगर ये मुद्दा है there is no time for petty things. और जो है छोटी-छोटी चीजों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है. Okay, there is a time to like look to God. और ये वक्त है कि हम परमेश्वर की तरफ देखें. One day I'm going to meet Him. और एक दिन मैं उसको मिलूंगा. Okay, so let's pray. आइए प्रार्थना करें. Let's pray as the worship team can come up. आइए प्रार्थना करेंगे स्तुति आराधना से पहले. Okay, Heavenly Father, we just thank you. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज इस दिन. Lord, we pray for our nation today. आज हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं. For the 75th Independence Day. धन्यवाद कि 75वां आज जो है स्वतंत्र दिवस है. Thank you for giving us freedom. धन्यवाद कि आपने हमें आजादी दी है. Lord, we also pray today for our Prime Minister. और आज हम अपने प्रधानमंत्री के लिए भी प्रार्थना करते हैं. And all the Cabinet Ministers. और जो है पूरे Cabinet Minister के लिए प्रार्थना. And also for our Chief Minister. और जो है मुख्यमंत्री के लिए भी प्रार्थना करते हैं. And all the Cabinet Ministers under him. और उनके नीचे जो Cabinet Minister है उनके लिए प्रार्थना करते हैं. Lord, we just pray that you give them wisdom. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिए. Lord, I pray that you lead their lives. और प्रभु उनका जीवन को आप ही जो है चलाइए. Lord, you give them decisions that has come from you, Lord. और उन्हें जो है वो फैसले दीजिए जो आपकी तरफ से आए प्रभु. Lord, we also pray for your protection around our nation. प्रभु हम ये भी प्रार्थना करते हैं हमारे देश पर तेरा हाथ बना रहे. Lord, keep our nation from all the evil forces. और प्रभु हमारे देश को बचाए रख सभी बुरी चीजों से भी. Lord, we just pray that even as a church that we could
be used to take your gospel to this nation. या प्रभु ये चर्च होने के नाते हम सुसमाचार जो है पूरे देश में लेकर जाए. Lord, we thank you. प्रभु धन्यवाद देते हैं. We worship you today. आपकी स्तुति आराधना करते हैं. It was a wonderful service. आप में अच्छा सभा दीजिए आज प्रभु. In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं. आमीन. आमीन. Morning, church. Morning. This is the day the Lord has made. So let us be glad and rejoice. So let's all stand up and sing with a loud voice to the Lord. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear. So good, and I just wanna dance.
Our hearts, O Lord, as we come into your presence, O Lord, and all the hearts, O
us, Lord, today morning, Lord. Prepare us, Lord, for your word, Lord. Speak to us through your word, Lord. We thank you. Thank you. Jesus Christ, crucified. Jesus alone is God. Lord, that is our desire, God. That is the cry of our heart this day, Lord. Especially on our Independence Day, God, we pray, God. Lord, that many, Lord, would turn their eyes from the things that they look on to and that they would look to heaven and see the God who created them, God. God, as we sing this chorus again, Lord, that is our prayer, God. Lord, turn many hearts, God, in our own neighborhoods where we are, God, turn many hearts from darkness and bring them to light, God. And use us, Lord, as a church, as instruments, Lord. Every knee will bow, every tongue will shout, Jesus is the Lord. God, to follow God. We have an expectation to receive from heaven this morning. In Jesus' name we pray. Amen.
नमस्ते दोस्तों, स्वागत करना चाहता हूँ आपको। आज प्रभु भोजन का दिन है, हम सब प्रभाग में, तो हम प्रभु भोजन में जाने से पहले जो है कुछ पल लेंगे, और जो जो कुछ भी जाने अनजाने में हमसे जो कुछ भी पाप हुई है, भूल हुई है, उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे। क्योंकि ये प्रभु भोजन जो है बहुत ही पवित्र विधि है, और इस विधि में जाने से पहले हमें पूरी तरह जो है निष्पाप जाना है, और हमारा विश्वास भी रहना चाहिए उसमें, ये दो चीज है। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, जहाँ कहीं भी हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और आंखें बंद करेंगे, और एक मिनट का वक्त लेंगे हम, और उस वक्त हम पूरे अपने हृदय से सब कुछ परमेश्वर के सामने उंडे लेंगे। जो कुछ भी हमने किसी के विरुद्ध कुछ गलत सोचा है, पाप किया है, वो सब। मैं आज लूका का 22वां अध्याय और वचन 19 और 20 आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उसको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह में देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरा उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया गया नई वाचा है। पुराने नियम में जो पहला फसा का पर्व बनाया गया था, प्रभु भोजन का मतलब पासओवर, निर्गमन का जो है 12वां अध्याय में हम देखते हैं कि लहू एक चिन्ह बना था उस वक्त, ओके, जिसके घर में प्रभु ने मूसा के द्वारा आगे दी थी कि जिसके घर के ऊपर जो है चिन्ह रहेगा लहू का, वो लोग जो है बचाए जाएंगे। और इसराइल लोगों ने वही किया, और उन्होंने क्या किया, उस रात जो है उस सुबह जो भी मेमने को मारे, और फिर बाद में उसके लहू को जो है उन्होंने दरवाजे के ऊपर क्रूस की तरह निशाने के ऊपर उन्होंने लगाया। प्रभु ने वो एक चिन्ह दिया था कि मसीह का आना भी। और दूसरा सुबह हम लोग देखते हैं जो भी लोग जो है इसराइल से इजिप्ट से जो बाहर आए थे मिस्र देश से, वो सब लोगों के घर के ऊपर जो है प्रभु का लहू था। धन्य है कि आज हम पर भी आज जो है प्रभु का लहू है हम पर, है ना, इस आज हम भी कह सकते हैं।
और ये एक बहुत ही सुखद की बात है, जिसके इस हफ्ते जो है मेरे भी घर में बहुत लोग आए थे और हमने भी जो है वो नया घर में जिसके हमने प्रवेश किया परिवार होने के नाते, हमने वो घर को परमेश्वर के हवाले कर दिया। अभी मेरा उसमें कुछ लेन देन नहीं, ओके। मैं एक सुखद अभी वो महसूस कर सकता हूँ क्योंकि ले वो घर जो है अभी परमेश्वर के हवाले। तो ये एक विधि है, हम जो भी यहाँ पर बच्चे भी है या फिर जोड़े भी है, हम उसको परमेश्वर को अर्पित करते क्योंकि ले उसके बाद जो है उसका है सब कुछ। तो आज कितना अच्छी बात है आज कि प्रभु ने जो है उसके उसके शरीर को इसलिए दिया ताकि आज का इसमें देखा है तो बहुत सारे कारण है, लेकिन मैं आज का कारण बोलना चाहता हूँ। आज का कारण ये है कि उसके टूटे हुए शरीर से हम सबको चंगाई नहीं दी, लेकिन ये रोटी जो है हमें बचा नहीं सकती। फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर ये रोटी को जब हम विश्वास से परमेश्वर का शरीर करके ग्रहण करेंगे तब जो है ये रोटी उनका शरीर का प्रतीक बनेगा। तो आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और इस रोटी को ग्रहण करेंगे, इस रोटी को प्रार्थना करते हैं। इस रोटी के लिए प्रभु धन्यवाद कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी वायरस दुश्मन छोड़े, चाहे कुछ भी हम पर अटैक हो, लेकिन तेरा शरीर हमें बचाते है प्रभु, क्योंकि तेरे टूटे हुए शरीर से हम सबको चंगाई दी थी प्रभु। धन्यवाद प्रभु इस रोटी के लिए, धन्यवाद आपका शरीर के लिए प्रभु। और उसी के बाद जो है परमेश्वर ने क्या बोला है इधर 20 वचन में कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है, ओके। पुराना नियम में देखा है तो बहुत कुछ था, हमें ये करो वो करो, बहुत सारे विधि, बहुत सारे जो है कानून दिए गए थे, परमेश्वर ने आके दी थी ये करना है वो करना है हम सबको करना है। लेकिन नया नियम में क्या है, परमेश्वर ने बोला कि मैं पूरा खत्म कर दूंगा, और इसीलिए परमेश्वर ने क्रूस पर से जोर से चिल्लाया कि ये पूरा हो चुका है और हमें आज कुछ करने का जरूरत नहीं। आज हम सिर्फ विश्वास से जो है ग्रहण कर सकते हैं लहू को, क्योंकि उसके लहू से जो है हम हमारे जो कुछ भी पाप है वो धुलते हैं, और इसीलिए हम विश्वास से ये कर सकते हैं। कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने, जैसे कि पहला कुरिन्थियों की किताब में लिखा गया है, परमेश्वर ने इस दुनिया की कमजोर चीजों को इस्तेमाल किए ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, परमेश्वर ने रोटी और दाखरस को इस्तेमाल किया। ये थोड़ा कमजोर है लेकिन विश्वास से अगर लेते हैं, विश्वास से ये बहुत ही बड़ा सामर्थ्य का चीज बन जाता है ना। आइए हम ग्रहण करेंगे लव को, प्रार्थना करते। स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते इस तेरा लहू के लिए जो मूल्यवान है, जो हम सबको तूने सोने चांदी से नहीं परंतु तेरा स्वयं का लहू देकर हमें बचाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं आज प्रभु। आगे का सभा को भी आशीष दीजिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। Good morning, church. I just read one short verse from 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Dusra Corinthians ka 9:7 se main padhna chahta hu. It says that each of you should give what you have decided in your heart to give. Har ek log jo hai jo bhi mann mein faisla kiya hai us tarah dena hai, and not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. और इसमें कोई कुड़कुड़ करके नहीं, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करते हैं। टुडे व्हेन वी पुट आवर मनी इन एनी बिजनेस और वी इन्वेस्ट इन सम स्कीम, तो आज जो है हम किसी भी कारोबार में जो है पैसे लगाते हैं इन्वेस्टमेंट की तरह, द फर्स्ट क्वेश्चन वी आस्क दैट पर्सन लाइक व्हाट वी विल गेट इन रिटर्न, तो पहला सवाल हम यही पूछते कि हमें इसके बदले में क्या मिलेगा, और व्हाट प्रॉफिट वी विल मेक, या फिर क्या हमें प्रॉफिट मिलेगा।
But whenever we give to God, लेकिन जब भी हम परमेश्वर को देते हैं, and whatever we give to God, और जो कुछ भी हम देते हैं परमेश्वर को, everything we give, it is for an eternal purpose. और हर एक जो भी चीज हम देते हैं, वो ये अनंत काल का मकसद के लिए. And God has promised to bless the people whoever gives to God. और परमेश्वर ने वादा किया है, जो भी वो परमेश्वर के राज्य के लिए देंगे, उनको आशीष देगा. And that blessing can be in various forms. और वो आशीषें जो है बहुत सारे अलग अलग तरीके से आ सकती है. It can be in form of spiritual enrichment. और ये हो सकते हैं आत्मिकता से हम बढ़ते जाए. Or your life can be filled with joy to do God's work. या फिर आपका जीवन जो है खुशी से भर जाए आप परमेश्वर के सेवा करने. Many different blessings from our God. या फिर कई अलग सारे आशीषें आ सकती है. We often like forget how rich our God is. और हम कई बार भूल जाते हैं परमेश्वर कितना धनी है. And we need to remind ourselves that God owns everything. ये हमें हमेशा हमें भी याद रखना है कि स्वयं को कि परमेश्वर जो कुछ भी हमारे पास है वो सब परमेश्वर का है. Like for example, the Borivali National Park will have the name of some minister. और हो सकते हैं Borivali National Park का कोई minister के नाम पे हो. But the truth is, God owns that national park. लेकिन सच्चा ये कि वो national park का मालिक जो है परमेश्वर का है. In the same way, God owns everything, even our house, our property, and everything we have belongs to God. उसी तरह जो कुछ भी हमारे पास धन संपत्ति है वो सब कुछ परमेश्वर का ही है. And when we remind ourselves that God owns everything. जब हम ये ऐसा ध्यान रखते हैं कि परमेश्वर इसका मालिक है, we begin to thank God for everything in our life. फिर हम जो है हर एक चीजों के लिए परमेश्वर के लिए धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं. And we keep on thanking God for every moment, everything in our life. फिर हम जो है धन्यवाद देते ही रहेंगे हर एक पल के लिए, हर एक moment के लिए. Because God is the giver. क्योंकि परमेश्वर जो है देने वाला परमेश्वर है. And He is the best giver. और वो सबसे उत्तम देने वाला परमेश्वर है. And God proved that He is the best giver by giving His only Son Jesus to us. और परमेश्वर ने ये साबित कर दिया कि अपने स्वयं के पुत्र को देकर. So like our God, who is generous. और जैसे कि हमारा परमेश्वर जो उदारता से देते हैं. Let us learn to give generously to God. क्योंकि हम भी सीख ले कि परमेश्वर की तरह उदारता से दे. And whatever and we give. और जो कुछ भी हम देते हैं परमेश्वर को. Let us give it cheerfully to God. और पूरी तरह हर्षोल्लास से देंगे परमेश्वर को. Amen. Amen, church. Let's pray. Father, we want to thank you, Lord, for this day, O Lord. Thank you, Lord, for bringing us together as one family, O Lord. We are here, O Lord, gathered here, O Lord. To praise your name, O Lord, to worship you, O Lord, because there is none like you, O Lord. Yes, Lord, we pray for all our needs, for believe, Lord, that you know our needs, O Lord. And we believe, Lord, that you are the provider, O Lord. Thank you, Lord, for blessing us, O Lord, for each and every blessing, O Lord. We want to thank you and want to praise you, O Lord. Give us a beautiful time, O Lord, as we have gathered here, O Lord. Speak to each one of us, O Lord. Once again, Lord, we want to thank you and want to praise you. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Okay, before we pass the baskets, okay, we'll read the scriptures. और जो है basket आगे बढ़ने से पहले हम जो है वचन पढ़ेंगे. Okay, for the message. Okay, can we all stand? संदेश के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे. And a little longer reading so Hindi people could read for themselves. थोड़ा लंबा पढ़ाइए हिंदी के लोग हिंदी बाइबल खोल के पढ़ सकते हैं. Okay, do you have a Hindi Bible? Hindi Bible है ना सबके पास. Just tell them the verses so that they can read. Okay. Hindi Bible के लोग वर्स मैं बताऊंगा वो आप पढ़ें. Okay. Can you tell them the verse? Can you come little bit so you can come. Okay. So after that, our Sunday school kids are going to do a song. Okay. उसके बाद Sunday school के बच्चे गाना गाएंगे. Okay. Is it PPT start working? We'll do the announcements later. Turn to First Samuel. First Samuel. पहला सैमुअल का पहला अध्याय. Okay, so if you have your Bibles to First Samuel or iPhones or iPads, what else you have? Handpads. Okay, so First Samuel chapter 1. पहला सैमुअल का पहला अध्याय. It says, okay, Hindi can read 1 to verses 20. वचन एक से बीस तक वचन पढ़िए आप हिंदी में. Okay, now there was a certain man from Ramanath Jophim from the hill country of Ephraim, and his name was Elkanah, and the son of Jeroham, the son of Eli, the son of Tohu, the son of Juph, an Ephraimite. He had two wives. The name of one was Hannah,
and then the name of the other was Binaya. Verse 3. Now this man would go up from city early to worship, to sacrifice to the Lord of the hosts in Shiloh. Like, he's a very faithful believer. And he two sons of his, and the two sons of Eli, Ophni and Phinehas, were the priests of the Lord there. But that when the day came that Elkanah sacrificed, he would give portions to Benaiah and his wife and to all her servants and the daughter. He's also a good giver like all of you. He gives a lot. Okay, he makes sure that the priests are well fed. Okay. Verse 8, then Elkanah and her husband said to her, okay, just before that, okay. Verse 6, a rival, however, that is, okay, we just missed up the verses. Verse 4, when the day came that Elkanah sacrificed, verse 5, but to Hannah he would give a double portion, for he loved Hannah. So he had two wives, he loved Hannah very much, and he gave a double portion. But the Lord had closed a womb, but the problem with Hannah is she has no children. And a rival, that's another wife, however, would provoke her bitterly to irritate her because the Lord has closed her womb. So there's another person who would constantly irritate. You ever know how people who irritate? Okay, come on. Just smile. Some of you are so serious. Okay, it's like a dripping water. Did you ever, after the rain, the tick, 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 dropping? Okay, there's a proverb that says it's better to, what does that say? It's Proverbs. Can you tell? Stay alone. It's better to stay alone. It's better to stay alone on the roof. You have a roof. You have on the terrace. You can go up on the terrace. But listen, then to a wife. Then to stay with a wife that's like a dripping water. Tick, 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 tick. Always complaining and irritating. You didn't translate this. Okay, listen. Verse 9. Then Anna rose after eating and drinking in Shiloh. Now Eli the priest was sitting on the seat by the doorpost of the temple of the Lord. She greatly distressed, prayed to the Lord and wept bitterly. She made a vow and said, O Lord of the hosts, if you will indeed look on the affliction of your maidservant and remember me and not forget your maidservant, but will give your maidservant a son, that I will give him to the Lord all the days of his life. A razor shall never come on his head. So this woman goes to God to pray and says, if you bless me with a son, I will give the son to the Lord. ये औरत जो है परमेश्वर के साथ प्रार्थना करती है, बोलती है अगर मुझे बेटा देगा तो मैं वो बेटे को दे। How many times we pray that prayer? Let's be honest. कितनी बार ऐसा प्रार्थना हम करते हैं? If you give me a promotion, I'll give that to God. अगर आप मुझे तरक्की देंगे, मैं पूरा आपको वो दे दूंगा परमेश्वर। Okay, if you bless this, I'm going to give you this. अगर आप मुझे आशीष देंगे तो मैं ये आशीष दूंगा। Okay, but we forget. लेकिन हम भूल जाते हैं। Okay, we are all weak and we forget. हम सब कमजोर हैं इसलिए भूल जाते हैं। But what happened to this woman? लेकिन इस औरत के साथ क्या हुआ? Okay, she gave. उसने दी। Okay, now it came about as she continued praying before the Lord that Eli, he is the priest at that time, was watching her mouth. You know, as for Anna, she was speaking in her heart, only her lips were moving, but her voice was not heard. So Eli thought she was drunk. Can you imagine? You have a priest who doesn't have any discernment. Okay, he's become old, he doesn't know whether she's praying or she's gone, like what she's doing, and he says, you're drunk. वो जो बुजुर्ग हो गया था वो उसको ये भी मालूम नहीं पड़ा कि आयना ने प्रार्थना कर रही है या फिर वो दारू पी रखी है। Verse 19, then they arose early in the morning and worshipped before the Lord and returned again to their house in Ramah, and Elkanah had relationship with Anna his wife. And the Lord remembered her. I like that. The Lord remembered her. It came about due time after Hannah conceived, but she gave birth to a son, and she named him Samuel, saying, because I have asked of him the Lord. Okay, that's what the meaning of Samuel means. Samuel का मतलब ये है. Because I have asked of him of the Lord. Samuel, now you know what's his name? मैंने परमेश्वर से पूछा है. Okay, one more passage from Acts chapter 12. प्रेरितों का 12वां अध्याय. Okay, this part you can read, it's only 1-2 verses, okay. And verse 1.
How many of you read Acts 12? Come on, raise your hands. Come on, be honest. Anybody? Only one, two. If you're not glad, I'm going to read the whole passage. Which I must if any of you read that, okay, listen. Now, about that time, Herod the king laid hands on some who belonged to the church. What did the Herod do? He laid hands on somebody who belonged to the church. And he had James, the brother of John, put to death with a sword. Like this is the beginning of this chapter. Like you put a hand on God's people. Listen to what happened in verse 20. Now he was angry with the people of Tyre and Sidon, and with one accord they came to him, and having one of Blastes. Okay, let's go a little down. Okay, on an appointed day, Herod, having put on his royal apparel, took his seat on the rostrum and began delivering an address to them. Verse 21. Yeah. वचन 21. तेरहवे दिन हेरोद राजस्व तो पहनकर सिंहासन पर बैठा और उसको व्याख्यान करने देने लगा. तब लोग पुकार उठे. I didn't read that. Okay. Then people kept crying out, "The voice of God and not of man." यह तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है. Imagine they made Herod a god. हेरोड को जो है उन्होंने प्रभु बना दिया. Okay, and immediately an angel of the Lord struck him because he did not give God the glory, and he was eaten by the worms and died. उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी और Okay, in the beginning we see James was touched and he was killed. और शुरुआत में हमने देखा कि याकूब जो है जेम्स को मार डाला गया. And the end, Herod is dead. और आखिर में देखते हैं कि हेरोद In between, Peter was arrested. और उसके बीच में पत्रस जो है गिरफ्तार हो गया. And the church prayed and he was released. और चर्च ने प्रार्थना की और उसे रिहाई किया. Okay, so in one more verse, John 4 verse 35 says. और यौहन्ना का चौथा अध्याय और 35वां वचन में बोलते हैं. Okay, it says we read last week, isn't it? पिछले हफ्ते हमने ये पढ़ा था. 35 verse part B. B part. Okay, it says, "Behold, I say to you, lift up your eyes and look on the fields, that they are white for the harvest." देखो मैं तुमसे कहता हूँ कि आपने आंखें उठाकर खेत पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके. Okay, let's pray and now as the team can come up for the song. Father, we just thank you. Bless these thoughts. Help us to meditate on the scriptures that we just read as we hear the song, Lord. And anoint this portion and this message. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Can we sit it, okay? You can do whatever.
isn't it? We had an amazing worship and great singing of the kids. Okay, we have some important announcements, but because of the PPT, we'll show it at the end of the service. Okay, so we read already the verses. Okay, let's pray. Father, once again, we just pray. Thank you for this beautiful morning. And bless this word. In Jesus' name we pray. Amen. So this morning we're going to encourage and speak on prayer. तो आज सुबह जो है अब प्रार्थना के ऊपर बात करेंगे. Okay, we said last week prayer is the greatest tool for a believer. और जो पिछले हफ्ते बताया था कि प्रार्थना एक सबसे बड़ा हथियार है. Okay, like if you are working somewhere and you have to use a tool. अगर आप किधर तो काम कर रहे हैं तो आपको एक कुछ तो हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा. Okay, and if you don't use it. अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हो. Okay, it doesn't have that value. तो उसके लिए वो जो है वो मूल्यवान नहीं रहेगा. Okay, I went to buy some fish this week. तो जो है मैं कुछ मछली खरीदने के लिए गया. Okay, and that lady took the knife. और वो औरत ने जो है चाकू निकाली. And she took the knife and she cut, cut, cut and she cut the fish. और फिर उन्होंने एकदम जोरदार तरीके से वो मछली को काटी. Okay, she was using her tool. और जो है वो अपने हथियार को इस्तेमाल कर रही थी. As believers, God has given us a tool called prayer. और हम एक विश्वासी होने के नाते हमें भी परमेश्वर ने हथियार दिया है. So much can happen in a believer's life when we pray. और बहुत कुछ हो सकते हैं एक विश्वासी प्रार्थना करते हैं तो. In fact, prayer can change the course of history. और जो है प्रार्थना जो है इतिहास को ही बदल सकते हैं. And that's what we're going to speak today. और यही हम आज बात करेंगे. Last week we spoke why do we pray. और पिछले हफ्ते हमने प्रार्थना के बारे में ये बोला था कि क्यों हम प्रार्थना करते हैं. Okay, because we feel like praying. जैसे कि हमें अच्छा लगता है जैसे कि प्रार्थना करना. No, God has commanded us to pray. नहीं, प्रार्थना परमेश्वर ने आज्ञा दी है. Luke chapter 18 verse 1. और लुका का 18:1 में बोलते हैं. Number 2, we also say we pray also because the only way things can happen in a believer's life is through prayer. और दूसरी बात एक ही तरीके से विश्वासी के जीवन में कार्य हो सकते हैं वो है प्रार्थना. Many times we are self-made men and women. कई बार जो है हम खुद अपने आप को बना लेते हैं. We are able to do many things by our own self. और हम जो है अपने आप से जो है बहुत कुछ कर सकते हैं. Okay, but God wants us to go to prayer and ask Him for the things. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके पास जाए चीजों के लिए मांगने के लिए. Number 3, we said prayer is God's way to give us joy, the fullness of joy. और तीसरी बात ये परमेश्वर का एक तरीका है प्रार्थना के द्वारा हमें बहुत सारे से आनंद देने के लिए. John 16 verse 24. और यूहन्ना का 16:24. Okay, a lot of believers don't have joy of the Lord is because they don't have a life of prayer. बहुत से विश्वासी लोग के पास वो खुशी आनंद नहीं है क्योंकि ये प्रार्थना का जीवन. But you have a wonderful faces all of you here. लेकिन आप सब पे बहुत ही खूबसूरत चेहरे हैं. Okay, and that's what makes me to preach this message. और इसीलिए मुझे ये प्रोत्साहन देती है ये प्रचार करने के लिए. Okay, does it happen to you too? Yes. Okay, listen. We also said our prayers needs three very important elements. और जो है प्रार्थना के लिए तीन मुख्य बात है. Okay, number 1, vision. पहली बात दर्शन. Okay, we said when we pray, we ought to believe, we ought to know what we have to pray for. Or we said, okay, let me put it the way I said it. What ought to be done? When we have a vision, we know what to be done. जब हमारे पास दर्शन रहते हैं, तो हमें मालूम है कि क्या करना है. Imagine just praying without a vision. तो सोचिए अगर आपके पास दर्शन ही नहीं, आप प्रार्थना कर रहे हो. And like it goes anywhere. और फिर कहे पर भी नहीं जाएगा फिर. Like it's shooting the gun anywhere. और जैसे कि जो है धड़ जो है बंदूक कहीं पर भी चला. Only a person who doesn't understand to shoot would shoot that way. और जैसे कि लोगों के पास जिसको ज्ञान नहीं है वो इस तरह. Number 2, also faith. When I pray, I believe. After I say amen, do I believe it can be done? और दूसरी बात जो है विश्वास. जब मैं प्रार्थना करता हूँ क्या मेरे पास विश्वास है क्या ये होएगा करके प्रार्थना. Isn't that true? है नहीं सच बात. It's not a long prayer that is important. But what you believe after you say amen is important. और जैसे कि ये बड़ा प्रार्थना करना ही महत्वपूर्ण नहीं कि ये प्रार्थना करने के बाद आप आमीन बोलते हो. A lot of people have this long 30 minutes prayer, but after the amen they don't have even a small mustard seed faith. और बहुत से विश्वासी लोग जो है प्रार्थना करते हैं लेकिन उनके पास जो है राय के दाने के बराबर विश्वास नहीं. They can't believe God for their family. They can't believe God for their finances. They can't believe God for anything. वो लोग जो है विश्वास भी नहीं करते अपने परिवार के लिए या फिर कोई भी चीज के लिए. Thirdly, we said also after I faith and after I pray, I need to also have courage.
until it is done. I need to. What is courage? Courage is like also waiting upon God. और जैसे कि तीसरी बात जो है वो है धैर्य रखना. विश्वास के बाद धैर्य होना चाहिए. ये होएगा करके. So today, as we continue this part, जैसे कि आज हम ये संदेश में आगे बढ़ेंगे. Maybe even another two services I'll do on prayer. हो सकता है और दो सभा ये प्रार्थना करने जाएगी. I feel our church needs to learn to pray. और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा चर्च जो है प्रार्थना करने में सीखना चाहिए. Like it's not God is not holding His blessing. Sometimes we don't go to God in prayer. ऐसे नहीं कि परमेश्वर अपने आशीषों को रोके रखा है. ये ऐसा हो कि हमें प्रार्थना में कितना जाना महत्वपूर्ण है. Like we need to pray for our children. हमें जो है अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है. Okay, when was the last time you sat down and prayed for your children? कब है आखिरी बार जो है आप अपने बच्चों के साथ में बैठे? When was the last time you prayed for your husband or your wife? या फिर कई कौन से आखिरी वक्त जो है आपने जीवन साथी के लिए आपने प्रार्थना की? You're eating all the meals that she's cooking, but you never prayed, fasted and prayed for her. कि आपने वो सब खाना खा लिया अपनी पत्नी ने बने आपने अपनी पत्नी के लिए उपवास प्रार्थना नहीं की? When was the last time we prayed? कुछ है आखिरी बार आपने प्रार्थना की? Listen, this is amazing. Okay. But listen, today we'll talk about two passages of scriptures. So आज जो है दो बात जो है वचन के द्वारा हम बात करेंगे. Okay, Anil, you need to pray for your wife. अनिल जी आपको fast and pray. उपवास प्रार्थना करने हैं. Okay, in Acts chapter 12. By the way, if you are in the ministry, there's so much of prayer is needed. अगर आप जो इस सेवकाई में हैं, तो बहुत सारा प्रार्थना का जरूरत है आपको. Okay, if there's no prayer. अगर प्रार्थना नहीं है. Then I have a tough time in the ministry. और फिर जो है बहुत ही मुश्किल घड़ी निकलेगी फिर. Okay, today as I think about Acts chapter 12. जैसे कि आज जो है प्रेरितों का बार-बार थे. Okay, three interesting things in chapter 12. और जो है तीन महत्वपूर्ण चीजें होती हैं. One, it begins with James, the apostle killed. तो पहला तो जो है जेम्स को मार डाला गया. You know who is this James? और जो है याकूब कौन है मालूम है क्या? Anybody? किसी को मालूम है याकूब कौन है? Yeah. A brother of Jesus. Okay, this is John and James. और जो ये यहोना और याकूब. Our brother of Jesus was a pastor later on. Okay, Bible college students. और यहोना का भाई है ये. Okay, remember these are the sons of thunder. और ये ऐसे कि कहीं से. Okay, they said I want to sit left. One said I want to be right. एक जो है दाई और एक भाई और बैठना चाहता था. चर्च चालू होने से पहले फिनिश हो गया. Like you want to sit on the right, you want to sit on the left. दाई बैठने हैं कि भाई बैठने हैं आपको ये पैसे But he's finished before the church even like really expanded. और चर्च का बड़ों को होने से पहले ही आपको बंद हो. But there's a price to be paid. कि लोगों को जो है चीजें चाहिए लेकिन उसके लिए दाम चुकाना पड़ेगा. Okay, James is finished. और याकूब खत्म. And then Peter is also put in the prison. और फिर पत्रस को भी जो है जेल में डाल दिया. That is the second thing happened in the passage. In three amazing things in Acts chapter 12. जो है तीन अद्भुत चीजें जो है प्रेरितों का बार. And he was put in the prison saying the next day he is going to be beheaded. और इसीलिए पत्रस को जेल में डाल दिया गया कि अगले दिन उसको भी मार डाला जाएगा. The third thing that we see in this passage is also says Herod dies the end of the chapter. और जो है तीसरा चीज हम इस अध्याय में ये भी देखते हैं कि हेरोद जो है आखिर में वो मर जाते हैं. Okay, I want you to bring three important principles. और मैं जो है तीन सिद्धांत पे लाना चाहता हूं आपके लिए. Okay, I want you to listen this. Number 1. मैं चाहता हूं कि आप ध्यान पूर्वक सुनिए. Revelation chapter 19 verse 16 says The King of Kings and the Lord of the Lords is Jesus. और जो है प्रकाशित वाक्य का 19:16 में बोलते हैं कि राजाओं का राजा कौन है? स्वयं यीशु मसीह. When I look at this chapter, जब मैं ये अध्याय को देखता हूँ, I see the sovereignty of God. और इसमें जो है मैं प्रभु का प्रभुत्व देखता हूँ. Okay, what is sovereignty means? प्रभु का प्रभुत्व मतलब क्या है? That means God is supreme authority. उसका मतलब प्रभु सबसे बढ़कर है, वो ही है. And all things are under His control. और फिर सब चीजें उसके कंट्रोल में. It's not in the control of Herod. और जो हेरोद के वश में नहीं है कुछ भी. I like that, isn't it? जी पसंद है. People may be in big positions, but they are not in control. God is in control of their lives. लोग हो सकते हैं बड़े अहदे पे रहेंगे, लेकिन उसका वो बात नहीं है. लेकिन परमेश्वर सब चीजों पे. And that's also important in your life and my life. और ये जो है मेरे और आपके जीवन में महत्वपूर्ण. Okay, you may say I am the head of the home, but God is the authority. He is sovereign over my life, my home. आप बोलेंगे मैं घर का मालिक हूँ, लेकिन परमेश्वर जो है सब चीजों के ऊपर. He is a supreme authority. He has control over my life. और उसके पास सब कुछ जो है उसके वश में. I can do
many plans for my children in their education. और मैं जो है बहुत सारे योजना बना सकता हूँ अपने बच्चों के लिए. My God is supreme. और क्योंकि मेरा परमेश्वर He rules, isn't he? He has an authority. और उसके पास जो है अधिकार है वो शासन करते हैं. He controls our homes. वो जो है अपने वो मेरा घर को जो है कंट्रोल करते हैं. I remember Pastor Shala when Justin Shala came here. और मुझे याद है जब Pastor Shala के बारे में जब Justin Shala इधर आए. Okay, Pastor Shala's son Justin Shala. Pastor Shala के बेटे Justin Shala. Okay, remember he wants to be a golf player. और वो जो है golf player बनना चाहता है. And by the way, he was very good at it. और बहुत ही अच्छे खेलता भी था golf. He said, one thing I don't want to do is being a pastor. और वो बोलता था कि एक चीज मैं करना नहीं चाहता वो है पास्टर करना. And he ended up being a pastor. और वो आखिर में पास्टर ही बन गया. Justin Shala is a pastor just close to another church near Baltimore. और जो है Justin Shala जो है और एक चर्च का पास्टर है Baltimore में. Like God controls our lives, our families, our homes. कि परमेश्वर नियंत्रण करते हैं मेरा परिवार मेरा घर सब कुछ. Like I wanted to have this way, but God is sovereign when you become believers. कि मैं ये बनना चाहता हूँ क्या परमेश्वर उससे बनना चाहता हूँ. That's why James said, "Don't say I will go and do this, I will go and do that." और इसीलिए याकूब ने बोला कि वाह ये मैं करूँगा जाके वो करूँगा जाके. But if it's God's will, I will do this and I will do that. अगर ये परमेश्वर का इच्छा है तो ये करूँगा वो भी करूँगा. This is important. महत्वपूर्ण है. The second thing I learned in this passage. और दूसरा सिद्धांत मैंने ये सीखा इस. Church prayed for James and Peter. चर्च ने जो है याकूब और पत्रस के लिए प्रार्थना कई बार जो है याकूब के लिए प्रार्थना के बारे में लिखा नहीं गया इसका मतलब ये नहीं कि चर्च ने प्रार्थना की. It's like people like only Peter. और जैसे कि वो सिर्फ पर no, they prayed for James and Peter, both of them. और याकूब और पत्रस दोनों के लिए चर्च ने प्रार्थना. But the answer came differently. लेकिन उत्तर जो है अलग तरीके से आई. That's the key principle to learn. और इसीलिए मुख्य सिद्धांत What God did to somebody didn't have to do for you. जो परमेश्वर ने उसके लिए किया वो जरूरी नहीं कि आपके लिए वो करेगा. Okay, God is not a chapa. और परमेश्वर ऐसे नहीं कि रफ्तार. No, you know chapa. When I used to work in an insurance company, I used to have a department. Their job the whole day is to stamp. और जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी में जब मैं काम करता था पूरा जो है स्टैम्प फॉर मोर देन 10,000 कॉपीज इन अ डे. और जो है 10,000 से ज्यादा कॉपी. ऑल दे नीड टू डू इज स्टैम्प. सिर्फ इतने की छापा. सेम स्टैम्प. वही छापा. आफ्टर ही गोज होम ही डज द सेम थिंग. लाइक लिसन. Like God is not that way. परमेश्वर उस तरह नहीं. Bible says He is uniquely made you. और परमेश्वर बोलते हैं आपको अद्भुत तरीके से बनाया. The way you raise, He raised you up is different from somebody else. और जिस तरह आपका परवरिश हुआ है उसकी दूसरे. Somebody made them rich because they cannot be poor. और कोई किसी को धनवान बनाया क्योंकि वो उसको जो है poor नहीं रख सकते. Okay, and somebody made them poor because they cannot handle richness. किसी को जो है पैसे इसलिए नहीं दे क्योंकि वो धन को नहीं समझ. Okay, you can't say that person has, so I need to have. और आप ऐसा नहीं बोल सकते उसके पास है तो मेरे पास भी रहना. Like God knows what you can handle and He gives exactly what do you want. परमेश्वर को मालूम है कि आप किसको संभाल सकते हैं और उसी तरह आप. When we start comparing, we become very covetous. जब आप जो है किसी को तुलना करने जाते हैं तो आप जो जो covetous करते हैं. परमेश्वर ने पत्रस का भाई एंड्रू को अलग तरीके से इस्तेमाल. Maybe one has a big church of 100 people, another person could have a church of 10 people. हो सकते एक के पास 100 जन का चर्च है तो एक के पास जो है. But both are called church. लेकिन दोनों चर्च ही कहलाती है. Adonai Judson served for 37 years. He had only 7 converts. Is it a waste his life is? Adonai Judson जो है 30 से ज्यादा साल जो है सेवका की उसके पास जो है वो परमेश्वर में आए हुए लोग बहुत ही कम थे. Ministry waste? क्या उसका सेवका जो है व्यर्थ में? Somebody can get married at 25 like me and my wife. और जैसे कि कुछ लोग जो है 25 साल में शादी कर लेते जैसे. Okay, some can get married at 45 like Pastor Doug and Bethany. और जैसे कि कुछ लोग जैसे कि 45वें साल में भी जैसे कि पास्टर डग और बेंथनी के. Some don't get married, they like the single life. और कुछ लोग शादी ही नहीं करते जैसे वो अकेले रहते. That's also good. और ये भी अच्छे है. Isn't that amazing? अद्भुत है ना. Like we need to enjoy every moment of our life. हमें हर पल का जो है खुशी लेना है. That's what this is the second principle. और ये जैसे कि दूसरा सिद्धांत. Don't compare with somebody else. किसी के साथ
तुलना मत कीजिए। Bible says the one who compares with each other is a fool। और जैसे कि बाइबल कहती है तुलना कर रहा है एक दूसरे से। Next time you compare, you say to yourself, I'm a fool। और जैसे कि अगले God has made me unique। मैं बेवकूफ हूँ, मैं परमेश्वर ने मुझे अद्भुत बनाया है। This is amazing principle। अद्भुत सिद्धांत। So God allows James to die, but he also saved Peter. He is going to be the he will stay for next 70 AD. He will die upside down on the cross. परमेश्वर ने जो याकूब को मरने दिया, लेकिन पत्रस को जो है 70 से ज्यादा 80 साल तक जीने दिया, और फिर आखिर में उसे क्रूस पर उल्टा लटकाया गया। The third principle. तीसरा सिद्धांत। Because James died. क्योंकि याकूब मर गया। It doesn't mean because the prayer didn't answer, the church stopped praying. ऐसे नहीं कि वो प्रार्थना करते हुए चर्च लोगों का ऐसा प्रार्थना करना बंद। You can pray for something, God may not answer that prayer. हो सकता है आप कुछ चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उत्तर नहीं देगा। Because your stomach, you have a stomach pain by eating biryani, you don't stop eating, isn't it? जैसे कि अगर आपको जो है पेट दर्द है बिरयानी खा के, इसका मतलब ये नहीं कि आप खाना खाना बंद कर देंगे। सुन रहे क्या? You know, so like somebody had that, by the way. It is just spontaneous, by the way. It was not the holy, like it's just, I don't know, it came out. Sometimes you say things by the Holy Spirit, it just happened to somebody. Okay, you don't stop eating. और जैसे कि आप और ऐसे नहीं कि आप प्रार्थना कर रहे हो कुछ चीजें नहीं हुआ, ऐसे नहीं कि आप प्रार्थना करना बंद कर दो। I like this church continue to pray. लेकिन मुझे एक चर्च पसंद है। We pray for certain missionaries, they don't work out for us. और जैसे कि कुछ मिशनरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं वो हो सकता है। We prayed, isn't it, for 7 years, we prayed for some people and they didn't work with us. और जो 7 साल के लिए मिशनरी के लिए प्रार्थना की वो हमारे साथ काम ही नहीं। That's okay. ठीक है। God will bring another 20 people to us. अब परमेश्वर और 20 लोग को लेकर आएगा। Are you listening? Please don't stop praying. और जो है हम प्रार्थना करना बंद नहीं करेंगे। Somebody said if your ministry doesn't have money, doesn't mean I stop serving the Lord. और किसी ने तो बोला अगर आपके पास मिनिस्ट्री में पैसा नहीं तो वो आप सेवा करना। My ministry is not about your money, it's about my God. और जैसे कि मेरा जो सेवकाई जो है आपका पैसे के ऊपर नहीं, ये मेरा बुलाहट है। That's amazing. Isn't that good things to learn? नहीं अच्छी चीज। Like they kept praying. और जो है वो प्रार्थना करते रहे। Like they never stopped praying because of certain things happened in their certain prayers are not answered. और जो है वो प्रार्थना करना इसलिए बंद नहीं किया क्योंकि लिए कुछ चीजें नहीं हुई। God answers our real prayers. परमेश्वर जो है सच्चा प्रार्थना का जो है उत्तर देते हैं। Okay, sometimes it's just common grace. और वो कई बार जो है कुछ ऐसे ही परमेश्वर sometimes like the sun comes to the unsaved and also believer. कई बार जो है सूरज जो है वो पूरे सभी लोग के पास। But a real prayers in the will of God need to be answered. लेकिन सच्चा प्रार्थना जो परमेश्वर के इच्छा में है तो उसका उत्तर मिलेगा। But look at what happened when the church prayed. लेकिन देखिए जब चर्च प्रार्थना की तो क्या हुआ? They changed the course of history. और वो जो है वो चर्च ने जब प्रार्थना की तो इतिहास ही बदल डाला उन्होंने। Remember they removed the man who was persecuting the church, Herod. और जो है देखिए जो प्रार्थना से क्या हुआ? हेरोद जो चर्च का छल करता था। If Herod continued, all the apostles would be beheaded. अगर हेरोद आगे बढ़ता था तो पूरे अपोस्टल को मार डालता था। Can you imagine? सोचिए। The course of history has changed because somebody prayed. इतिहास बदल गया क्योंकि किसी ने तो प्रार्थना की। Isn't that amazing? आई ना अद्भुत। Not only that, God saved a man called Peter. और न सिर्फ इतने कि परमेश्वर ने पत्रस को भी बचा लिया। Okay, is it Peter? Isn't it Peter was saved in Acts 12? और जो है फिर एक्ट्स का 12 में जो है पत्रस को भी बचा लिया गया। God saved Peter so that one day he is going to be meeting Cornelius and other people. और परमेश्वर ने पत्रस को इसलिए बचाया एक दिन वो कॉर्नेलियस और दूसरे लोगों को मिलेगा। That's how important our prayers are. और इसीलिए महत्वपूर्ण है हमारा प्रार्थना। Okay, which can change history. जो है इतिहास ही बदल सकते हैं। Susanna Wesley, I know I said this story many times. और Susanna Wesley के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कई बार। Her husband was so busy that he didn't have any time to give to his children. और जो है उसका पति इतना व्यस्त था कि वो समय नहीं दे पा रहा था अपने बच्चों को। And she had 19 children. और Susanna Wesley के 19 बच्चे थे। Some of you scratching head, I'm one and I'm struggling. कुछ लोग एक बच्ची होकर अपने सर बुझाते हैं। Okay, 19 children. Imagine the number of dishes in that room. और सोचिए 19 बच्चे और कितना खाना पकते रहेंगे। I was thinking maybe the dish sink would be so big. और मैं ऐसे सोच रहा था वो जो सिंक है वो इतना बड़ा रहेगा। No, big tank like. No, tank है ये। And the guy who washes jumps inside the sink and washes. और जो जो बर्तन धोने वाला था वो अंदर बैठ के धो के।
No, maybe it could be happening, isn't it? हो सकता है ऐसा होएगा. Okay, Suzanne, you need to go and study about all the dishes. और जो है हमें वाकई सुजाना वेस्ली के जीवन में जाके. Oh, but she prayed for her children. लेकिन उन्होंने बच्चों के लिए प्रार्थना की. Everyone, she made a decision that she would spend time with them about God and she would pray for them every week at least 2 hours with them. सुजाना वेस्ली ने फैसला किया था हर दिन जो है बच्चों के साथ एक-एक बच्चों के साथ इतने-इतने घंटे वो बिताएगी. Remember, she had 2 children. That changed the course of history. लेकिन याद रखिए वो 19 बच्चे में से दो बच्चे लोग ने इतिहास ही बदल डाला. One changed the world. एक तो दुनिया ही बदल दी. That is Charles Wesley. वो जो है चार्ल्स वेसली. With his songs. और पूरे गाना से. He didn't just stay in England. It went round the world. Today even we sing today in India. और वो सिर्फ इंग्लैंड में ही वो गाना नहीं बजी. पूरे दुनिया में आज भी हम यहाँ. And then there was John Wesley who turned the England upside down with the gospel. और उसके बाद जॉन वेस्ली जिसने जो है इंग्लैंड को जो है परमेश्वर के सुसमाचार से पूरा उतर पुथर कर दिया. जॉन वेस्ली हैड अ नैगिंग वाइफ. और जॉन वेस्ली का जो है कुड़कुड़ करती हुई लाइक ऑफन व्हाई व्हेन ही ऑलवेज इज आउट ऑफ द हाउस विद अ हॉर्स. और जो है हमेशा जो है घोड़े के ऊपर बैठकर चले ही ट्रैवल ऑफ द ग्लोब ऑन द हॉर्स. और जो है वो पूरा दुनिया का आधा चक्कर काट चुका था पूरे. लाइक द रीजन इज बिकॉज़ ही व्हेन ही कम्स होम हिज वाइफ वुड नैग 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 नैग. कारण ये है कि उसके पति कुड़कुड़ करती थी जब वो घर पे आता. अनदर प्रीचर हैड अ वाइफ लाइक शी वाज सो गुड एंड ही वुड टेक हर ऑन द मिशन अपने उसके जीवन के लिए जो मकसद था उसके पत्नी का कुड़कुड़ करना वो उसे बंद नहीं कर सका कि वो इंग्लैंड में. I like that, isn't it? Because John Wesley knew one day he is going to stand alone before God in 2 Corinthians 5:10. क्योंकि ले जॉन वेस्ली को मानते हैं एक दिन वो परमेश्वर के सामने अकेला खड़ा रहेगा. But listen, two young people came out of Susanna Wesley. लेकिन सोचिए दो अच्छे फल आए सुजाना वेस्ली. I was encouraging today parents. I want to encourage you. तो मैं जो है माता पिता लोग को प्रोत्साहन. Like your children doesn't need your good education. No matter, education is good. और जो है वो आपके बच्चों को सिर्फ जो है सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं. They don't need your big bucks or money. या फिर बड़े धन दौलत. Yes, they could have it if you have them. और आपके पास है तो वो ले सकते हैं. But they give values to your children. लेकिन जो है उन्हें मूल मूलवान दीजिए. The values that would bring the word of God into their lives. तो मूल्य क्या है परमेश्वर का वचन उनके जीवन. Like teach them the importance of church, coming to church. कि उन्हें समझा उन्हें जो है पढ़ाइए सिखाइए कि चर्च का महत्वपूर्णता क्या है. टीच देम द वैल्यू ऑफ स्टडीइंग द बाइबल एंड हैविंग मॉर्निंग डिवोशंस विद गॉड अलोन. उनको सिखाइए कि परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिताना कितना मूल्यवान है. टीच देम इंपॉर्टेंस टू लव द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. उन्हें सिखाइए कि परमेश्वर का देह का मतलब. नेवर टॉक इन द हाउस अगेंस्ट द बॉडी मेंबर इन फ्रंट ऑफ देम. आप कभी भी जो है घर में चर्च के मेंबरों के खिलाफ बात मत कीजिए. दैट सेंड्स अ रॉन्ग सिग्नल टू योर चिल्ड्रन. तो वो जो है उससे जो है गलत धारा पहुंचेगी आपके बच्चों. प्रोवर्ब्स 22:6 says, "Train up your child in a way he should go, he or she should go." और जो है नीति वचन का 22:6 में बताया अपने बच्चों को इस तरह परवरिश करो. When he is old, जब वो जो है बुजुर्ग हो जाएगा, he will not depart from what you teach. कि वो जो है जो भी आपने सिखाया उससे अलग ना हो. Like Pastor Shala said that this week in the Methodist service. Pastor Shala ये बुधवार की सभा में उन्होंने प्रचार. No, he said like no, like. As children, we like the Jews used to teach them on the word of God here and there. और जैसे कि यहूदी लोग क्या करते थे बच्चे लोग को या फिर यहाँ वहाँ सब जगह वो प्रचार करते रहे. Like young people and kids need to have friendships in the body of Christ. और जो जवान बच्चे उनका दोस्ती जो है परमेश्वर के देह में होना. Not in this world. और इस दुनिया में नहीं. This world has nothing to give us. और इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं कि जिससे हम ले सकते कुछ. Like it's amazing when I saw young children, all the 6 of them coming and singing. और जिसकी अद्भुत है इधर 6 बच्चे लोग आकर गाने गए. No, it's awesome, isn't it, to see our children together? They grow up as friends. और जिसकी खूबसूरत है वो बच्चे एक साथ बढ़ रहे हैं दोस्ती के. I just put the Sherry's mom had a policy in the house. और जिसकी not the LIC policy. और जैसे कि शेरी का मम्मी का एक कुछ रूढ़िवादी था ऐसा पॉलिसी था. She would say like you finish all your homeworks by Saturday. और वो बोलती थी कि हर एक जो भी स्कूल का पढ़ाई है शनिवार तक ही खत्म. But Sunday we're not going to do anything. क्योंकि इतवार के दिन हम कुछ नहीं करने वाले. It is a church day. When she was a Catholic, she used to follow that. और जो ये वो कैथलिक होने के नाते भी फिर भी वो सिद्धांत. And we become believers, we forget that.
जब हम विश्वासी बन जाते हैं तो हम भूल जाते हैं। Like sometimes some good things can be taken out from the Catholics। और जैसे कि कुछ चीजें They go so many times to church। और जो कुछ अच्छी चीजें कैथोलिक से भी हम ले सकते हैं, वो बहुत सारे। Like I imagine, I look at the Catholics. I stayed for 6 years in IC Colony. They would get, I would drop Sherry at 4 o'clock in a train to the station in Dysel. They would be going to church। और जैसे कि मैं पाशे किशोर खुद कैथोलिक माहौल में रह चुके हैं, वो लोग भी उनका जीवन को देखते हैं। I would always pray, God, I wish these people could saved and they will be on fire for God। और हमेशा मैं बोलता था कि मेरा ये इच्छा है परमेश्वर ये सारे लोग बचाए गए और परमेश्वर के ऊपर आए। This is important। अब यार महत्वपूर्ण है। Church is key। Church is the After the prayer series, I'm going to teach the body life series। और जो है प्रार्थना का सीरीज के बाद जो है परमेश्वर के देह के बारे में मैं So lightly we take the body। कई बार जो है बहुत आसान तरीके से परमेश्वर How many of you have head and the body separated? कितने लोग का जो है सर शरीर अलग हो चुके हैं? Can you have your head separate, body separate? Nobody, isn't it? Bible says Jesus is the head, the church is the body. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है हमारा सर है और शरीर जो है वो When you touch the body, you're touching the head. और जब आप शरीर को छूते हैं तो जो है When you love the body, you're loving Jesus. जब आप जो है परमेश्वर के देह को When you come for picnics and body life events, you're loving God. और जब आप जो है परमेश्वर के देह में जो है संगति करने आते हैं तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं I don't come because of this person is coming to picnic. और मैं इसलिए नहीं आता पिकनिक में कि ये व्यक्ति I'm coming because of the head, Jesus Christ. मैं इसलिए पिकनिक में आता क्योंकि ये सर के वजह से वो यीशु मसीह के वजह से That's important. महत्वपूर्ण है ये Tomorrow we're going to have a wonderful water kingdom time. और कल जो है बहुत ही water kingdom में होगा I'm excited to just roll for I was dreaming about it last night. I am very scared about heights, okay? Jumping from the heights. और जो ऊंचाई से कूदने के लिए डर लगता है Last evening I was watching the water kingdom rides on the YouTube में जो है water kingdom का ऊपर से There's one guy putting everybody on the top and he's not going in. एक व्यक्ति सभी को ऊपर डाल रहा था वहां पर Okay, it's going to be amazing fun time. Okay. बहुत ही अच्छा बहुत. Okay, if you can't come, anybody can come. Okay. कोई भी आना चाहे तो आए. If you don't come, we will be there. Okay, I'm going to enjoy tomorrow. और जो है अगर आप भी आएंगे तो just on every ride. I'm going to ride on every ride. Okay, tomorrow. सबके ऊपर वो कुछ नहीं. Just committing यार. But listen, this is amazing. और ये अद्भुत है सुनिए. Okay, so three principles. तीन मुख्य बातें बोलना चाहता हूँ। Okay, there's another story in the Bible. It's 1 Samuel chapter 1. और एक कहानी है जो है पहला सैमुअल का पहला। Okay, I'll not go long. Okay, I'll finish. और मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं ख़त्म। Okay, there was a nation of Israel that had been ruled by judges. और जो है इस्राएल के ऊपर राज करते थे वो न्यायी लोग। And in different periods, like people just went off, and then God would choose a judge. अलग-अलग काल था जब इस्राएल भी जो है पाप में गिर जाते थे, फिर बाद में नया। Okay, in the midst of somebody, in the midst of everything that's happened, there was a man called Elkanah. और उसके बीचों बीच जो है सब कुछ हो रहा था उसमें एल्कना जैसा। But you will always have that, like those people who go off, and then there are people who are remnant, who are faithful to God. और ऐसा वक्त रहते कि लोग जो है वो भूल जाते परमेश्वर को, और कुछ लोग जो है हमेशा परमेश्वर की याद करते। Okay, that was the situation, and this Elkanah was a faithful church goer. और ये एल्कना जो है हमेशा निरंतर चर्च में जाने वाले व्यक्ति। Okay, and sadly his wife Hannah didn't have children. और जो दुख की बात है उसकी पत्नी के पास बच्चे नहीं थे। But she doesn't stop there. She goes to God to pray. लेकिन उसने वहीं पर बंद नहीं किया, वो परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना। Prayer request was for a child. और उसका प्रार्थना विनती जो है बच्चे के लिए था। And a commitment to God is if you bless the child, I'll give it to you. और जो है उसका एक ही बात था, परमेश्वर ने वादा की थी कि अगर आप मुझे बच्चा दोगे परमेश्वर को तो देंगे। But she's also surrounded by situations. और वो प्रार्थना के लिए जाती थी लेकिन उसके इर्द गिर्द परिस्थिति भी थी। Okay, she is surrounded by a priest. और जो है वो जो है इर्द गिर्द जो है याजक भी थे। His name is Eli. उसका नाम याजक का नाम इलाई था। Okay, very soon because of this woman's prayer, God is going to change her. और बहुत जल्द जो है इस औरत का प्रार्थना की वजह से वो बदलने वाले। Okay, he was too old and he lacked spiritual discernment. और जो है बहुत बुजुर्ग था और आत्मिकता से भी धीरे-धीरे वो और जो है वो इलाई जो है उसके पर इल्जाम भी लगा है कि आप पिए हो। And she also had a woman, another wife of Elkanah, who was also continually provoking like a dripping water. और जो हैना का एक सौतन भी थी जो उसके ऊपर जो है हमेशा कुड़कुड़ करती। It's so easy for Anna to be discouraged. और ये बहुत आसान है कि हैना जो है
By the way, in your life, in your spiritual life, you will always have these two kinds of people. और जो आपके जीवन में ऐसे दो तरीके के लोग हमेशा रहेंगे. Okay, you will always have a friend who lacks spiritual discernment. और जो आपके पास ऐसे दोस्त रहेगा जो आत्मिक तौर से मजबूत नहीं रहेगा. Okay, and the other one is who's continuously nagging at your life. और जो दूसरा or insecure about your life. दूसरा ऐसा व्यक्ति रहेगा कि हमेशा आपके पर कुड़कुड़ करेगा. It's so easy for Anna to be discouraged and look at horizontally. और ये बहुत आसान है कि Anna जो है निराश होकर जो है सीधे देखने के लिए. Okay, so easy for us to look this way. और जो ये बहुत आसान है कि सीधे देखने के लिए. By the way, it takes effort to look up. और ये बहुत ही कभी कभी मुश्किल होता है कि ऊपर देखने के लिए. Is that true? है ना? If I have to look the fan, I need to look up. और अगर समझो मुझे फैन को देखने है तो ऐसे ऊपर देखने. If I have to see this way, it's easy. और अगर ऐसे ही देखने है तो आसान है. And we are so much faced with this way. और हम बहुत आदत हो चुके हैं सीधे देखने के लिए. And she had worries like this. She could have been worried about all that's happening in front of her. तो जो है वो चिंता में जा सकती थी उसके पीछे उसके बारे में क्या. Okay, a lot of believers live horizontally. और बहुत से लोग जो सीधे जीवन में जीते. All they worried about is their family, their money, their children, their jobs, they, my. और सिर्फ इतनी चिंता करते अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, उनके धन. You ask them to pray and they say my. You sit with them for 1 hour. It's about my. अगर आप उनके साथ एक घंटे बैठेंगे वो हमेशा बोलेंगे मैं मेरा 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 यही बोलेंगे. But vertical life. लेकिन जो एक सीधा जीवन and I look up, I can't see this. लेकिन ऊपर देखने में जब मैं ऊपर देखता हूँ तो सीधा नहीं देख सकता. I remember when I was a young believer. जब मुझे याद है मैं जब जवान preached a message on prayer. और पास्टर कार्ल ने प्रार्थना के ऊपर प्रचार की थी. And he said, like outward, you've been praying for yourself so much. और वो बोले कि आप अपने आप के लिए ज्यादा प्रार्थना करें. 21 days, don't pray for yourself. और जो है 21 दिन जो है अपने आप के लिए प्रार्थना करें. I fasted for 21 days. And I didn't pray for myself. और जो है मैं 21 दिन तक जो है उपवास प्रार्थना की अपने आप के लिए प्रार्थना नहीं. Nothing for my that time I was not married. Nothing for my needs. Nothing. और मेरा शादी नहीं होगा तभी मैं अपनी जरूरत के लिए कुछ भी प्रार्थना नहीं. But God provided everything that is needed for me. लेकिन परमेश्वर ने हर एक जरूरत मेरी. But I prayed for others. लेकिन मैं दूसरों के लिए प्रार्थना. God answered that prayer, also answered my prayers. परमेश्वर ने वो प्रार्थना का बिंदी भी उत्तर दिया. Sometimes we need to pray for our body members. कई बार जो है हमें परमेश्वर के देह. Like I want to say, like pastor, I want to take one empty chair next to me. और जो है मैं पास्टर मैं मेरे बाजू में एक खाली कुर्सी रखना. And I want to pray for this empty chair. और ये खाली कुर्सी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा. God put that man into that man. He put somebody into that place. परमेश्वर वो खाली चेयर के ऊपर किसी. You know, I can just warm my chair. या फिर मैं अपनी कुर्सी गर्म कर सकता हूँ. Or I can bring somebody to my next chair. या फिर मैं खाली कुर्सी के ऊपर किसी. How about thinking about fellowshipping with new people? क्यों ना हम जो है नए लोग सेम थिंग्स कि उसी लोग के पास वही बातें. Bring new people into the church. I have a challenge you today that you want to have a burden to bring one person. कि जो है मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ एक नया व्यक्ति को लाने के लिए चर्च में. This is important. ऊपर का देखने का ऊपर की तरफ देखने का मतलब वो जो है परमेश्वर का देह का जीवन और जो है वो प्रार्थना के बारे में. और जो है जब हम आउटरीच में थे तो हम लोग दोनों मिलकर एक व्यक्ति को मिले. And he was from Bhiwandi. और वो भिवंडी में था. And he said, I go to a church, they don't give out what you guys do. और वो बोला कि जो आप जो कर रहे हो भिवंडी में. He took a bunch of tracks from us. उन्होंने इतने सारे ट्रैक्स ले लिया आपसे. No, I can give it wherever I want to. और वो बोला कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ वहाँ पर दूँ. Isn't that amazing? आई ना अद्भुत. Like it's amazing. Like what stops me from doing what God wants me to do? क्या मुझे रोक रही है जो परमेश्वर. No, vertical life. Don't think about who comes or don't come. ऊपर की तरफ का जीवन जो है जो आते हैं. People say no, but no ladies come to the outreach. Oh, why don't you start coming? कि लेडीज़ You'll be the first lady to come. Then second will join and third will join and fourth will join. कि लेडीज़ लोग बोलते हैं आउटरीच में कोई नहीं आ रही क्यों ना आप शुरू करें पहला. आपके पीछे nobody comes for the ladies time. Why don't you come? You'll add one more person to that list. कोई भी जो है ladies time में नहीं आते क्यों ना. Nobody comes for Bible class. Why don't you come for Bible class? कि कोई भी Bible class. Nobody comes to church. Hey, you add one more person to your church. क्यों ना आप पहले शुरुआत. Nobody comes soul winning. Why don't you come? कि कोई भी जो है nobody comes for picnic. Let me come. कोई भी picnic में भी नहीं आ रहे क्यों ना. Song that song goes, nobody like me like no God put me first.
कि परमेश्वर ने मुझे पहले रखा वर्टिकल लाइफ थिंग्स अबाउट गॉड और जो ऊपर की तरफ आई डोंट कम फॉर परमेश्वर पहले चर्च आई कम फॉर गॉड इज देयर इन दिस रूम मैं जो लोगों के लिए नहीं आता इस चर्च में परमेश्वर है क्या जीसस इज सिटिंग इन दिस रूम दिस मॉर्निंग व्हेन वी केम हियर जीसस वाज सिटिंग इन दिस हाउस यीशु जो है इस घर में बैठा है जब आप सुबह आए इसीलिए मैं चर्च में नॉट फॉर माय बॉडी और माय फ्रेंड या फिर मैं दोस्त या फिर किसी के लिए नहीं आता हूं मैं चर्च बिकॉज़ ऑफ गॉड मैं चर्च में इसलिए आता हूं परमेश्वर के लिए आता हूं जॉन चैप्टर 4 द disciples were not what John chapter 4 is another story aur yohana ka chautha adhyay mein aur ek kahani hai the disciples were hungry aur jo chele log they went to get some vada pav aur wo vada pav lane jesus is winning souls here aur yahan par yeshu he bought a samaritan woman she would bring the whole village to jesus christ aur wo jo us aurat ko aise unhone kya ki wo aurat ne pura gaon ko when they came back they saw the woman and the villagers aur jab wo chele log aaye to unhone dekha ki pure gaon jo yeshu masih you know what did jesus said यीशु ने क्या बोला मालूम है? Don't look at your stomach, look up. अपने पेट को मत देखो ऊपर देखो look up. ऊपर देखो the harvest is truly plentiful मतलब कि खेत जो है पूरी तरह पक चुके हैं I could look at what the disadvantages और जो है मैं अपनी no, we are having a mission trip coming up और जो है मिशन ट्रिप आ रही है I encourage your spouses wives to send your husbands और मैं प्रोत्साहन करना चाहता हूं अपने जीवन साथी को भेजो okay my wife said to my son like no I don't care if my dad goes for 10-15 days on a mission trip और जो है उनकी पत्नी ने बोला पासी किसी को पत्नी बोले उनके बच्चों को मुझे परवाह नहीं कि you know what when you send your husbands and wives or whoever goes to the mission trip you know what you will have the same reward aur jo hai main bolna chahta hu jab aap apne jeevan sathi ko mission trip mein bhejenge aapko hi utna puraskar milega jitna aapke jeevan sathi ko mila hai like look up the harvest is plentiful upar dekhiye I have many excuses horizontally aur jo hai bahut sare bahane yesterday in the missions night pastor Shivani somebody asked her, like pastor like me I am above 18 years old and how can I can take a decision to go to church aur jo hai kal jo hai mission samay ke waqt hai pastor Shiveri se sawal pucha gaya main 18 saal ka hu kis tarah main I am the only believer main sirf vishwasi hu kis tarah main ja sakta hu You love Jesus more than the comfort that your family provides you. He said, "You love Jesus more than the comfort that your family provides you." कि आप यीशु मसीह से उतने ही ज़्यादा प्रेम करते हो कि जितना यीशु मसीह आपको सांत्वना देते हैं। Have some guts to stand for your faith. आपके पास धैर्य रहना चाहिए यीशु मसीह के लिए खड़ा रहने के लिए। महत्वपूर्ण है। The end result we see in the story. आखरी नतीजा जो है इस कहानी में देखो. God blessed her with a son. और जो है आयना को जो है परमेश्वर ने बेटा दिया. Bible also says she was blessed with more 3 sons and 3 girls. और जो है बाइबल ये भी कहता है. 7 children. और जो है it's a good offer than the big bazaar. और जो है अच्छा ऑफर है. Okay, give one get 6. और जो एक बच्चे को दो 6 बच्चे मिलेंगे. Okay, brand factory says you pick up 2 pay for 10 and you buy 2 pick up 5 isn't it? It's like similar offer. जैसे कि ये ऑफर की तरह आज की तरह okay, give one, एक को दो get 6 छह बच्चे लो इज नॉट गुड डील दिस इज गुड मैसेज फॉर ऑफरिंग गिव 1/10 एंड गेट 7 टाइम्स मोर और जो एक एक दशमांश दो लेकिन 10 से ज्यादा दशमांश आपको ओके इज नॉट गुड गिव 1 गेट 6 एक दो छह मिलेंगे वापस गिव 1000 यू गेट 6000 और जो 1000 दो 6000 मिलेंगे इट्स अ ब्लेसिंग मिनिस्ट्री यू गिव योर गिव योर मर्सिडीज कार एंड यू गेट दिस What you get? You get auto rickshaw. But listen, this is amazing. Okay, in closing, three applications. ये तीन मुख्य बातें. Number one, when she prayed, God changed her situation. और पहली बात जब ऐना ने प्रार्थना की परमेश्वर ने उसकी परिस्थिति बदल दी. And also shut the mouths. और फिर उसके लोगों के माँ. When Daniel prayed, God shut the mouths of the lions. और जब डैनियल ने प्रार्थना की तो सिंह का मुंह जो है बंद कर दिया. When we pray, God changes our own situations. पर जब आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर हमारा परिस्थिति बदल देते हैं. And answers our prayers. और फिर प्रार्थना को उत्तर भी देते हैं. No, we have not because we. हमारे पास इसलिए नहीं क्योंकि We ask not. हम पूछे ही नहीं. Ask, you will get it. आप मांगो तो दिया जाएगा. Ask for your job, God will give you. आप काम के बारे में पूछो. Ask for your children, God will give you. Ask for your marriage, God will give you. Ask for money, God will give you. कोई भी चीज के लिए परमेश्वर से पूछो. I was a young person. I used to pray sometimes no money and I would find 100 rupees on the road. और जैसे कि नया विश्वासी होते जब जो है पैसे के लिए प्रार्थना करते हैं पैसे. Pastor Shibeli once found $300 under the tree. और जो पैसे शिबेली को $300 पेड़ के नीचे मिले like it's amazing you pray God will provide कि आप there's gold everywhere on the land और जो सब
God can pick up a gold. Did you ever found a gold? I found gold once. I found a gold ring once. एक बार जो है सोने का ring मिला. I didn't rob it, but I found it. चोरी नहीं की लेकिन मिल गई. Okay, that's amazing. Pray. और जो है प्रार्थना. God can just throw gold and money upon you. परमेश्वर जो है सोना चांदी इसी तरह आप पर फेंक. You don't ask. That's why you have not. और आप पूछते नहीं इसीलिए आपको मिलता नहीं. Amazing. Okay. Jabez is a man. Remember Jabez? Jabez के बारे में मालूम है ना? When he is born, his mom took his face. और जब वो जब पैदा हुआ पर उसकी माँ ने उसका चेहरा को लिया. And look at him face to face. और जब वो चेहरा देख रही थी इस तरह. And she said, I'll name him Pain. और मैं उसे दर्द जैसे नाम दूँ. Can you imagine? Like all his life is still called pain. और सब पूरा जीवन भर उसे दर्द. Okay, pain, bring some chai. और दर्द चाय लेकर आओ. Pain, wash your face. जब दर्द तुम अपने चेहरे धो. Pain, you get some job. दर्द क्या तुम. Like imagine calling his Jabez means pain. All his life he's been called pain. Jabez का मतलब दर्द है हमेशा जीवन भर उसे वो बुलाया गया. Maybe you are born with a lot of sorrows in your life. हो सकते हैं आप बहुत सारे दुख लेकर पैदा हुए. Maybe your upbringing was not so good. हो सकता है आपका परवरिश अच्छा नहीं हुआ हो. But I want you to think about Jabez. लेकिन मैं चाहता हूँ कि Jabez के बारे में. Jabez prayed. Jabez ने प्रार्थना की. He said, "Indeed, Lord, bless me." और वो बोला कि परमेश्वर मुझे आशीष दी. And expand my territory. और मेरा जो भी boundary है उसे बढ़ा दी. One line prayer. और एक ही लाइन का प्रार्थना. And God answered. परमेश्वर ने उत्तर दी. God expanded us and gave us territory. परमेश्वर ने बहुत सारा बढ़ोतरी दी और परमेश्वर जो भी चाहता था उसे दिया. Okay, sometimes our prayers are not answered. कई बार जो हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं. That Jesus says certain prayers this kind will only come through और fasting and यीशु ने बोला इस तरह का प्रार्थना होता सिर्फ है ना उपास प्रार्थना से ही होगी. Okay, don't waste your time like going for 45 minutes walk every day. Just do 2 days of fasting. Don't eat nothing. और जो है रोज जो है पौना घंटा चलने में जमत बिताइए जॉगिंग में लेकिन दो दिन okay, just have water for 2 days. By the way, you will not die if you just drink water for 40 days. और जो है आप मरेंगे नहीं 40 दिन तक सिर्फ पानी पीते रहेंगे तुम्हें. This is amazing. अद्भुत है. Like this is awesome, isn't it? God changed the situation. परमेश्वर ने परिस्थिति बदल दी. Number 2, through prayer, God just not give what she asked. God gave her more. और ना सिर्फ परमेश्वर ने जितना पूछा उतना ही प्रार्थना का उत्तर दिया उससे बढ़कर प्रार्थना का उत्तर दिया. She asked for one, God gave her 6. और परमेश्वर ने उसने एक मांगा परमेश्वर ने और 6 दी. Okay, that's good. है ना अच्छी बात. I'm not saying if you pray for one husband, God will give you 6. So that's not my answer. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एक पति के लिए प्रार्थना है तो और start praying. Okay. Listen, Ephesians 3:20 says. Ephesians का 3:20 बोलते हैं. Now to him who is able to immeasurably give more than all that we ask. और अब उसके लिए जो हमारे पूछने से ज्यादा बढ़कर देगा. Okay, ask. इसीलिए पूछिए. Okay, God gave than what she needed. Thirdly, परमेश्वर ने दिया जो पूछा भी नहीं वो भी. Hannah's prayer changed the course of history. और तीसरी बात हायना का प्रार्थना से जो है इतिहास ही बदल गया. Okay, God just didn't give her a son. और परमेश्वर ने ना सिर्फ उसे बेटा दिया. He gave her a prophet. और उसे जो है नबी दी. This prophet was going to soon anoint David. और ये नबी जो है बहुत जल्द जो है डेविड को अभिषेक करने वाले. And this David is going to be the line where Jesus will be born. और ये डेविड जो है बहुत जल्दी उसमें से जो है मसीहा पैदा होगा. And this kingdom will last forever with Christ. उसका जो है शासन जो है हमेशा हमेशा के लिए. Okay, that's what happens when we pray. और यही होता है जब आप. You say what my prayer can do. और आप बोलेंगे मेरे प्रार्थना से क्या हो सकता है. Okay, your prayer can raise up Hudson Taylor in your home. और आपका प्रार्थना से जो है हडसन टेलर आपके घर में हो सकते हैं. Okay, there are people in your home that can change history. और आपके घर में जो लोग हैं वो इतिहास बदलने वाले. Okay, but when was the last time we prayed and believed for them? कब आखिरी बार जब आपने प्रार्थना की. हडसन टेलर्स मॉम प्रेड फॉर हिम. हडसन टेलर की माँ ने उसके लिए प्रार्थना की. Like he became an amazing missionary in China. कि वो अद्भुत मिशनरी बन गया चाइना में. It all began with a small, simple prayer. और ये सब सिर्फ है ना छोटा प्रार्थना से. No, it was John Newton God prayed for. और जो ये John Newton. His mother prayed for him. John Newton की माँ ने उसके लिए प्रार्थना की. She used to work from house to house washing clothes. वो जो है घर-घर जाकर जो है कपड़े धोती थी. Every time she would wash the clothes, she would pray for John Newton. और हर बार जो वो कपड़े धोती थी तो John Newton के लिए. And God saved John Newton. और परमेश्वर ने John Newton का उद्धार किया. Okay, in closing, I want this Tuesday we had an amazing class. और ये बात करने से पहले बोलना चाहता हूँ ये मंगलवार बहुत ही अद्भुत क्लास. Don't miss the missions class. Okay, it's going to be a very excellent class. और बहुत ही अच्छा क्लास रहती है. बहुत okay, this Tuesday
Tuesday we gave a story of the Moravian church. और ये मंगलवार को Moravian church के बारे में Okay, listen this story, very important. ये story के बारे में सुनिए, बहुत ही Because of this recording, I can't move anywhere. और ये recording की वजह से मैं इधर उधर Listen, this is important. Okay, remember there's a man called Zinzendorf. और जैसे कि व्यक्ति था Zinzendorf करके. At the age, he comes from a very rich family. वो जो है बहुत ही धनवान परिवार से आता है. At the age of 12. All the kids came together and started a Bible study. और जो है 12 साल में जो है सब बच्चे लोग आके Bible study शुरू की. Okay, when he grown at 25 years old. और जब 25 साल का व्यक्ति हो गया. Okay, his dad left lot of inheritance. He got lot of money. और उसके पिता ने बहुत सारे धन दौलत छोड़ दिए थे, उसे मिल गए सब. Okay, he took that money and he purchased a land from his grandmother. और वो धन लेकर जो है वो एक जमीन खरीदा उसकी माँ. He had an amazing heart for people. और उसके पास बहुत ही अद्भुत हृदय थी. Okay, like Rohingyas, there was a group called Moravians who were refugees. और रोहिंग्या की तरह Moravian भी जो है शरणार्थी थे लोग. Okay, they came to Zinzendorf and said, "Can you give us a shelter?" और जो है Zinzendorf के पास आकर बोले, क्या हमें रहने के लिए जगह दे सकते हो? Zinzendorf gave that land for them. और Zinzendorf ने जो है वो जमीन दे दी उनके. And they built their homes. और उन्होंने अपने घर बांधे. Okay, they build carpentry work. और उन्होंने जो है कारपेंट्री का काम शुरू किया. Okay, and they all came and they began a revival there. और वो सभी लोग आकर वहाँ से बेदारी लाए. A prayer times began there. और वहाँ से प्रार्थना सभा शुरू. A prayer time that lasted for 100 years. और वो ऐसी प्रार्थना सभा जो 100 साल से ज्यादा रही. No other ministry had but this one. कोई और मिनिस्ट्री का नहीं था लेकिन इन लोगों का. 24/7. फिर 24 घंटा प्रार्थना चलती. Okay, and there was a Moravian movements of missions. और जो है वहाँ पर जो ऐसा समय गुजरा Moravian मिशन का. Throughout the world, no missionaries could send so many missionaries in 200 years than the Moravian Church. और पूरा इतिहास में देखा है तो 200 साल में इतना मिशनरी नहीं भेजे हैं जितना Moravian Church ने भेजा. Okay, even our church in Baltimore addressed as Moravian Park because even Moravians came there. और जो है हमारा चर्च जो बाल्टीमोर में है उसको भी Moravian Park बोला जाता है क्योंकि Moravian लोग वहाँ पर भी आए. Moravians came to Punjab. Moravians के लोग पंजाब में आए थे. Okay, Moravians still histories in Punjab of Moravians. और अभी भी इतिहास है Moravians. They came to Jammu. We have a whole colony in Jammu. Began with Moravians. और जो है वो लोग जम्मू में भी आए थे. पूरा कॉलोनी है वहाँ पर जम्मू में. You know what? It's because all started with a small group of people with prayer. ये सब कुछ जो है छोटा लोग छोटा झुंड में बैठकर प्रार्थना करने लगे. That's what prayer can do. और यही प्रार्थना. My whole message today is to challenge you to pray. और मेरा यही संदेश का मकसद ये है कि आपको चुनौती परमेश्वर इतिहास बदल सकते हैं. जॉन नॉक्स प्रेड फॉर स्कॉटलैंड. ही वन द स्कॉटलैंड थ्रू प्रेयर. और जॉन नॉक्स ने स्कॉटलैंड के लिए प्रार्थना की और उसने स्कॉटलैंड को प्रेड फॉर पंजाब एंड वी हैव चर्चेस इन पंजाब लाइक एनी अदर स्टेट. और जो प्रेइंग हाइट ने पंजाब के लिए प्रार्थना की थी अभी वहाँ पर प्रेइंग हाइट्स इन आवर चर्चेस. और अभी भी परमेश्वर प्रेइंग हाइट के लिए देख रहे जॉन नॉक्स. परमेश्वर हमारे चर्च में जॉन नॉक्स को भी देख रहे. He is looking for Jabez's in our church. वो हमारे चर्च में Jabez को भी देख रहे. He is looking for Susanna Wesley's in our church. वो Susanna Wesley को भी हमारे चर्च में देख रहे परमेश्वर. He is looking at each one of your lives. परमेश्वर ढूंढ रहे हम सबके जीवन. His eyes are to and fro. वो उसका देखना हमारे जीवन में. Church that prays together. This is my quote. You can put in my name below. और जो है ये मेरा कहावत है आप मेरा. Church that prays together. चर्च जो साथ में प्रार्थना करती है. Reaches the world together. और वो जो है पूरा दुनिया को जो है जाकर. A church that prays together reaches the world together. और जो चर्च जो साथ में प्रार्थना करती है वो पूरा दुनिया में जाके सेवा करती है. That's what we're going to do. और यही हम करेंगे. That's what our trips are. और यही जो है मिशन यात्रा है. Okay, quickly. Okay, just in closing before the salvation prayer. और जो है बंद करने से पहले जो उद्धार का प्रार्थना से पहले. But few important announcements. कुछ खास जो है सूचना. Okay, this month. Okay, we are in which month? August. Okay. This month we have. Tomorrow is picnic and baptisms. Anybody wants to get baptized, you can come. Okay. We'll baptize you from right from the top to down. Okay. Okay. We have unique baptism. Okay. We'll throw you from the slide and you just come out of it. Slide से आपको फेंकेंगे. Okay. And down Chandra will be there to release the catch. Okay. It's going to be amazing. Okay. Okay, it's 550 rupees. Okay, including the food. Okay, breakfast and lunch. Picnic का 550 रुपए breakfast और lunch के साथ. Okay, come and just enjoy. Be around the body. और जो परमेश्वर के tell your boss I have stomach pain and I cannot come. Okay, is that good?
Okay, just be there. Okay, we give so many excuses for wrong things. Give an excuse and come. Okay. But listen, that's on 16, that is tomorrow. कल जो है पिकनिक रह गए हैं वो मान ही बताइए. It's in Virar, okay. If you want to come, register with Ankita. Ankita, where are your hands? Okay, this is Ankita. You can pay her right away. Ankita यहाँ पर है उसको. We already put the advance for the picnic, so just be there. Okay. Number two, on the 29th is our prayer. Okay, invitational prayer meeting. 29 अगस्त को जो है नियोता का प्रार्थना भी. We call it a prayer revival meeting. और जो है हम उसको prayer revival meeting करते हैं. Okay, you can invite a friend. और आप जो अपने दोस्त को बुला सकते हो. Okay, it could be anybody, any unsaved friend. कोई भी अविश्वासी. Go to your neighbor and say we have a revival meeting. और बोलिए अपने दो पड़ोसी को. Okay, a man coming, brother Mysore. Brother Mysore ऐसा व्यक्ति आ रहा है. He's coming. People fell like people can heal when he prays. Brother Mysore आ रहे वो आते ही लोग गिरने पड़ते हैं. Just come and आइए. Okay, we're going to have a revival meeting. और आप आइए आपके जीवन में बेहतर है. We're going to have an amazing time. बहुत ही अद्भुत. Okay, that's in August. वो अगस्त में. Okay, September 8th we'll have a potluck. और September 8th. How many allowed to eat? कितने खाना पसंद करते हैं? Okay, it's a potluck on the 8th. It's a Wednesday. और जो है potluck ये बुधवार के दिन. It's going to be Christopher and Carol's home. Okay. और ये Christopher Carol के घर पे. Okay, for all the potlucks we use the home because it's a big house. Potluck के लिए उनके घर इस्तेमाल करते हैं. Okay, so and also Newton's of course. Okay, but this is amazing. It's on 8th. Okay, start thinking what you're going to prepare. और अभी से जो भी आना चाहते पास्टर किशोर के लिए. Okay, that's going to be awesome. And then on the 2nd of October, और फिर 2 अक्टूबर को. Okay, it's going to be an evangelism to the poorest of the poor on the streets. और जो है ये फिर इवेंजेलिस्ट का बट टाइम रहेगा गरीब से गरीब लोग जो. So what we're going to do is we're going to make about 1000 biryani packets. और जो हम 1000 बिरयानी पैकेट बनाएंगे. Okay, and we will divide it to different groups. और फिर हम अलग अलग ग्रुप में वो पैकेट देंगे. And then we'll also have anybody who has some old clothes or your fridge or something you want to give it back. Okay, whatever you can bring it to this church and we will take them to all these places and give it. Even it could be toys. Okay, it could be clothes. It could be utensils. It could be anything. और जो है आपके घर में कुछ भी आप देना चाहते हैं इस सेवा के लिए 2 अक्टूबर के लिए पुराने कपड़े या फिर खिलौने okay. कुछ भी देना चाहते हैं. So what we do is we take the biryani, give them the food, we give them the shelter and also we will share the gospel. और जो है क्या करेंगे उस दिन हम बिरयानी भी देंगे और फिर बाद में कपड़े भी देंगे फिर परमेश्वर का वचन भी पढ़ेंगे. On the Gandhi Jayanti, what else we can do on a Gandhi Jayanti? Like to care for the poor. गांधी जयंती के दिन क्या कर सकते हैं गरीब लोग का हम सेवा कर सकते हैं. Okay, is that a good? Hey, okay, 2nd October. This is the upcoming events. Okay, and also in the month of November we have a conference with Pastor Shibeli. और जो है नवंबर में Pastor Shibeli के साथ conference. Okay, it all depends on the flights coming to India. और ये सब कुछ flight जो इंडिया में आने वाले उसके ऊपर. Okay, so let's close in prayer. Pastor Chandra can do a invitational call and then we'll shut up and then we'll pray for Anil. Okay. आइए प्रार्थना करते हैं. सब आंखें बंद करेंगे सबके सर झुके झुकाएंगे. स्वर्गीय पिता आज इस दिन के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु. धन्यवाद कि आपने हमें वो हथियार दिया है प्रार्थना का प्रभु. धन्यवाद इस प्रार्थना इस हथियार से हम आपसे मांग सकते हैं आप देते हो प्रभु. अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिनके पास ये प्रार्थना का चाबी नहीं है या हथियार नहीं है वो आसानी से जो है आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके ये चाबी हासिल कर सकते हो या फिर ये प्रार्थना का हथियार हासिल कर सकते हो. आपको सिर्फ इतना ही करना है आप परमेश्वर से बोलिए आपसे आप कबूल कीजिए यीशु मसीह से कि आप पापी हो अपने आप को नहीं बचा सकते और आप सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो. इस तरह पूरे मन से आप बोलेंगे तो आप बचाए जाएंगे. तो अगर किसी को भी ये प्रार्थना करना है यहाँ पर भी और ऑनलाइन में भी जो देख रहे हैं मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलिए बोलिए प्रिय यीशु मैं पापी हूँ मैं अपने आप को नहीं बचा सकता. धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह कि आप मेरे लिए इस दुनिया में आए और मेरा सब पापों को लेकर क्रूस पर मर गए. हे यीशु मसीह मुझे बचा ले मैं आप पर विश्वास करता हूँ और मैं जब भी मरूँ मुझे स्वर्ग में ले ले. और ये सारा प्रार्थना आप पर विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ. आमीन आमीन चर्च. Okay, just before we, yes, give God a hand.